इन्होंने लॉकडाउन में माल कमाया। आगे क्या? इक्विटी इन्वेस्टमेंट में बढ़ रही युवाओं की दिलचस्पी, क्या है वजह? कैसे बच सकेंगे जोखिम से? पुणे में रहने वाले सेल्स एग्जीक्यूटिव अनूप पीटी के लिए निवेश का मतलब हमेशा यही रहा कि फिक्स डिपॉजिट और सुरक्षित सरकारी योजनाओं में पैसा लगाया जाए। उन्होंने बचपन से माता पिता को एफडी में पैसे डालते देखा। 27 साल के अनूप भी इसी रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन फरवरी 2020 में एक बड़ा बदलाव आया। दुनिया में कोरोना फैलने लगा, आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और भारतीय रिजर्व बैंक ने पॉलिसी रेट घटाना शुरू किया। अनूप को तब समझ में आया कि पैसा अलग अलग एसेट्स में निवेश करना ठीक होगा। अप्रैल में उन्होंने डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म जीरोधा में खाता खुलवाया, जो युवाओं और पहली बार निवेश करने वालों के बीच काफी लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है। अनूप ने कुछ लाख रुपए के इक्विटी शेयर खरीदे। अनूप ऐसा करने वाले अकेले नहीं थे, वो इक्विटी की ओर मुड़ी रिटेल निवेशकों की एक बड़ी लहर में शामिल थे। जनवरी से जून 2020 के बीच लगभग 38 लाख नए निवेशकों ने डीमैट अकाउंट खोले। इनमें 24 लाख तो अप्रैल से जून के बीच खोले गए, 10 लाख अकेले जून में। 2019 में अक्टूबर से दिसंबर के बीच ये आंकड़ा 14 लाख था। फिलहाल लगभग 4.3 करोड़ डीमैट अकाउंट है, जिनमें से 38 लाख खुले इस साल के शुरुआती 6 महीनों में। नए खाते खोलने वालों में ज्यादातर अनूप जैसे मिलेनियल हैं। जीरोधा के पास खाता खुलवाने वालों की औसत उम्र पहले 32 साल रहा करती थी। कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स बताते हैं कि बीते 3-4 महीनों में ये घटकर 30 पर आ गई है। नई एंट्री करने वालों का भाग्य भी खूब साथ दे रहा है। मार्च के अंत तक शेयर बाजार काफी गिर चुका था, अप्रैल मध्य से इसमें सुधार होने लगा। पहली जनवरी को 42,000 से ऊपर रहा बीएसई सेंसेक्स 23 मार्च को गिरकर 26,000 से नीचे आ गया था। वहां से चढ़ते हुए 12 अगस्त को ये 38,370 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कुछ महीनों में ही इसमें करीब 50% का उछाल आया। ऐसी बढ़त बामुश्किल ही दिखती है। कई नए निवेशकों ने इस सुनहरे मौके के दौरान ही इक्विटी इन्वेस्टमेंट में कदम रखा। आमतौर पर इक्विटी की ओर रिटेल निवेशकों का रुझान तब बढ़ता है जब मार्केट कुलांचे भर रहा हो। अभी तो मार्केट साइकिल के बॉटम पर पहुंचने के साथ ऐसे निवेशकों की संख्या बढ़ी। उतार चढ़ाव की तेज लहरों का ऐसा फायदा भी निवेशकों को इतनी जल्दी नहीं मिलता। जीरोधा के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर निखिल कामत कहते हैं कि मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने पिछले 2 साल में निवेश के नियम सख्त किए हैं। इससे डे ट्रेडिंग में रिटेल निवेशकों की एक्टिविटी घटी, वहीं नए निवेशकों के लिए मार्केट अधिक सुरक्षित हो गया। ये दुर्लभ मौका है जो युवा निवेशकों को मिला है। अनूप बताते हैं कि बीते महीनों में उन्होंने दहाई अंकों में रिटर्न कमाया। नए निवेशकों ने अब तक सोच समझ कर कदम बढ़ाया है। लार्ज और अच्छे मिड कैप शेयरों में उन्होंने जमकर निवेश किया। देश की कुछ बड़ी कंपनियों की रिटेल होल्डिंग से पता चलता है कि उनके निवेश करने का तरीका नपातुला रहा। वे एक तो लंबे समय के लिए निवेश का इरादा बनाकर इक्विटी की ओर आ रहे हैं, साथ ही उनमें देश को आगे ले जाने की सोच भी है। मुंबई के वलिंकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 24 साल के स्टूडेंट तनय बरीदे बताते हैं कि उन्होंने मई में डीमैट अकाउंट खोला ताकि खुद को दिन भर व्यस्त रख सके। वो कहते हैं, मैं अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ, लंबे समय तक निवेश करते रहना चाहता हूँ। शुरू में मैंने डे ट्रेडिंग पर हाथ आजमाया, कुछ कमाया कुछ घाटा हुआ। बिगिनर्स लग कह सकते हैं कि मैंने जो पहला स्टॉक खरीदा उसका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। बेंगलुरु के आईटी कंसल्टेंट एन विलियम्स ने भी इसी दौरान डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक में निवेश किया। उनका कहना है कि इससे वो अब देश के विकास में मदद कर सकेंगे। विलियम्स कहते हैं, मौका मिलने पर मैं अन्य बैंकों में निवेश करता रहूंगा। कोविड के कारण फार्मा कंपनियों में निवेश करना भी सही होगा। मैं झटपट पैसे कमाने के लिए निवेश नहीं कर रहा, मैं लंबी दौड़ का घोड़ा बनना चाहता हूँ।
हालांकि इंडिट्रेड कैपिटल के चेयरमैन सुदीप बंदोपाध्याय का मानना है कि डीमैट अकाउंट खोलने वालों की संख्या फिलहाल तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आने वाले समय में ये थम जाएगी। बंपर रिटर्न का फेज खत्म होने के बाद इन्हें सीखना होगा कि मार्केट में कैसे बने रहा जाए। युवा निवेशकों का इंतजार कर रहा है मार्केट में टिके रहने का इम्तिहान। 28 जुलाई से 3 अगस्त के बीच इक्विटी मार्केट गिरा, उसके बाद रिकवरी दिखी। नए निवेशक ऐसे उतार चढ़ाव से बचते हुए पोर्टफोलियो कैसे संभालते हैं, ये अगला बड़ा सवाल है। क्या वे ज्यादा रिटर्न के लालच में गलतियां कर बैठेंगे? बंदोपाध्याय का मानना है कि युवा निवेशक इससे बच निकलेंगे। वे कहते हैं, आज का 30 साल का निवेशक अधिक जागरूक है, मुश्किल समय का सामना करने के लिए तैयार है। अपने से 15 साल बड़े लोगों से वे अधिक तैयारी रखते हैं। कईयों ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया होगा। मार्केट की बदलती तस्वीर के साथ घटते बढ़ते रिटर्न से वे वाकिफ हैं। वहीं आदित्य बिरला सनलाइफ एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ए बाला सुब्रमण्यन का कहना है कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो तैयार करने का ये सही समय है, लेकिन संभल कर बढ़ना होगा, बहुत बड़ी डील से बचना चाहिए। सतर्कता नहीं बरतने पर मार्केट में गिरावट होने या उसके सामान्य स्तर पर लौटने से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।